आदाब नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शौकीन और आप देख रहे हैं सहारनपुर न्यूज। पेश है आज दिन भर के समाचार। किसान सेवा सहकारी समिति अध्याना के चेयरमैन ओमवीर उर्फ सोनू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के अनुसार नगुड़ थाने के अम्बेटा चौकी क्षेत्र के गांव देदपुरा के निकट देर रात अज्ञात हमलावरों ने ओमवीर उर्फ सोनू की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। ओमवीर की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। घटना घटी कि रात 10:30 करीब इसके साले को इसने फ़ोन किया कि अम्बेठे और इस्लाम नगर के बीच मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। अच्छा, साले ने? साले ने इसके। अच्छा। रवि उसका नाम है, सनोप राजकुमार, गांव उसका 500। तो ये घर से अपनी गाड़ी उठाकर चला गया। रास्ते में जिस जगह का युवा का है, देदपुरा गांव से पहले ही अम्बेठे की तरफ 100-200 मीटर के पहले ही, तो वहाँ इसके गोली मार दी। क्यों मारी है, क्या कोई ये तो है? हाँ, पहले भी इनमें मन मिटाव चल रहा था साड़ा बड़ंगियों में। किस बात को लेकर चल रहा है? बस वो तो वही जानते होंगे, इस बारे में तो नहीं कह सकता कुछ। थाना नकुड़ क्षेत्र में एक हत्या हुई है, इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इस हत्या में निकटस्थ संबंधी नामजद हैं। अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और शेष डिटेल्स अभियुक्त की गिरफ्तारी के पश्चात जानकारी हो पाएगी कि हत्या करने के पीछे कारण क्या था। थाना सरसावा पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश मौके से भागने में कामयाब रहा। बताया जा रहा है कि देर रात मोटरसाइकिल लूटकर भाग रहे बदमाशों वे सरसावा पुलिस के बीच गांव कुतुबपुर और काजीपुर के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें सहारनपुर एकता कॉलोनी निवासी बदमाश एहसान उर्फ घोड़ा गोली लगने से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जबकि उसका दूसरा साथी आसिफ उर्फ पाली भागने में कामयाब रहा। इधर से उधर से उधर से इधर भी आ सके ना, इधर साइड देखो ना, इधर चलो, उधर से जा रहे तुम, लाओ उधर, चलो उधर, चलो उधर, चलो उधर से। उधर देखो, इधर से घूम, उधर से इधर, इधर आ जाओ, इधर साइड में नहीं। थाना सरसावा क्षेत्र में रात्रि में एक सूचना प्राप्त हुई थी, एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल छीन करके दो बदमाश भागे। इस संबंध में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। त्वरित कार्रवाई के दौरान एक अभियुक्त जिसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया था, पुलिस के द्वारा उस जवाबी कार्रवाई के दौरान उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और एक अभियुक्त भागने में सफल रहा है। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है उसके आपराधिक इतिहास है और अन्य थानों से भी जानकारी की जा रही है। लूटी गई मोटरसाइकिल बरामद की जा चुकी है। थाना गागा लेडी के गांव छज्जूपुरा में आज एक पटाखा फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते उसने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसमें दर्जनों लोग झुलस गए। सभी घायलों को तत्काल सहारनपुर जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया और कुछ की हालत को गंभीर देखते हुए उनको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। Thank you.
क्या हुआ था? हम नीचे काम कर रहे थे और बराबर में बैठा हुआ एक लड़का और काम कर रहा था, तो वो उसको घोल रहा था, केमिकल को घोल रहा था, तो उसमें स्पार्किंग हुई और उसने हा करके बताया किसी को नहीं और भागदड़ मच गई और मैं सारे निकल गए, मैं पीछे रह गया, मैं गिर गया, मेरे पैरों में जलन हो रही, आग लग गई थी, झुलस से गया। कितने लोग झुलसे, कितने लोग कूदे? लोग तो काफ़ी कूदे, लगभग 10-15 लोग थे और बाकी मैं पीछे रह गया था और जी 2-4 लोग झुलस में आए। किसी से काम होता है ये? छोटे पटाखे बनते हैं पेंसिल वाले, वो उनमें आपके नाम क्या है जी? फैक्ट्री का नाम? फैक्ट्री का और मालिक का नाम नहीं पता जी। कहाँ पे फैक्ट्री है? ये नौकरी पीर से नीचे रास्ता जा रहा है रसूलपुर, उधर है। पवित्र रमज़ान माह के पहले जुमे पर आज ज़िले की सभी मस्जिदों में जुमे की नमाज़ अदा की गई, जिसमें नगर की जमा मस्जिद में आज शहर इमाम कारी अरशद गोरा ने जुमे की नमाज़ अदा कराई और देश में अमन शांति व तरक्की के लिए दुआ भी कराई। चौरासी दंगों को लेकर कांग्रेस नेता सेम पित्रोदिता द्वारा दिए गए बयान के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के महानगर कार्यकर्ताओं ने नगर अध्यक्ष राकेश जैन के नेतृत्व में घंटाघर पर पुतला फूंककर अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये सीएम पटोदा ने आज सिख समाज के लोग 1984 के दंगे के विरोध में कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ ऐसा कहकर पूरे सिख समाज और हिंदू समाज की भावना को आघात किया। हमने इस विरोध में जिसका पुतला फूंका और कांग्रेस पार्टी से मांग करते हैं उन्हें तुरंत अपने पद से हटाए। ब्रह्मपुरी कॉलोनी स्थित सिद्धपीठ शिव बगलामुखी मंदिर में आज माँ बगलामुखी जयंती के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रम को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसको संबोधित करते हुए आचार्य रोहित विशिष्ट ने बताया कि 12 मई से 19 मई तक मंदिर प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसका शुभारंभ 12 मई को प्रातः भव्य शोभा यात्रा के साथ होगा। इस दौरान बैठक में मीडिया प्रभारी अर्चित अग्रवाल सहित काफ़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। बगलामुखी जयंती के अवसर पर 12 मई 2019 रविवार से भागवत कथा का आयोजन हमारे इस मंदिर में होगा, जिसमें परम पूज्य समर्थ श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज भागवत कथा अपने मुखारविंद से श्रोताओं को सुनाएंगे। 12 मई रविवार को प्रातः 8 बजे भव्य कलश यात्रा और शोभा यात्रा का शुभारंभ मंदिर प्रांगण से ही होगा, जिसमें समस्त क्षेत्र की महिलाएं एवं पुरुष कलश यात्रा एवं शोभा यात्रा में सम्मिलित होंगे।
सायंकाल में 4 बजे से 6 बजे तक नित्य प्रति भागवत कथा का आयोजन होगा और रात्रि में बगलामुखी जयंती के अवसर पर 12 मई को रात्रि 8 बजे से भव्य बगलामुखी का पूजन का जिसमें श्रद्धालु 1031 वस्तुओं से माँ बगलामुखी को पूजन करेंगे और अनेक वस्तु माँ बगलामुखी को अर्पण करेंगे। रात्रि में 10 बजे जिले के 2 खिलाड़ियों मनीष कुमार व अंशुल कुमार का उत्तर प्रदेश बैडमिंटन संघ द्वारा राज्य स्तर का एम्पायर घोषित करने पर आज उनका जेवी जैन कॉलेज में जिला बैडमिंटन संघ द्वारा अभिनंदन किया गया। डॉक्टर संदीप गुप्ता ने कहा कि ऐसा सहारनपुर के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 2 खिलाड़ियों का राज्य स्तर पर एम्पायर के लिए नियुक्ति हुई है। इस दौरान कार्यक्रम में मधुर बजाज, अखिलेश भार्गव, गौरव ठाकुर, निशु राणा, तान्य शर्मा, हार्दिक शर्मा, अतिथि त्यागी सहित काफ़ी संख्या में खिलाड़ी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा आयोजित अंपायर की जो परीक्षा हुई थी उसमें हमारे 2 खिलाड़ी चयन हुए हैं। पहली बार सहारनपुर के इतिहास में 2 खिलाड़ी हमारे यूपी बैडमिंटन एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी टूर्नामेंट होगा उसमें स्टेट अंपायर के तौर पर मनीष कुमार, अंशुल कुमार यूपी की तरफ से शिरकत करेंगे और आज हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि। मैं हरपाल सिंह वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष सामाजिक उद्योग व्यापार मंडल की ओर से समस्त मुस्लिम भाइयों को रमजान माह की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। सहारनपुर न्यूज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।